तो फाइनली दोस्तों ये रूमर सामने आ रही है कि WWE रोमन रेंस और ब्लडलाइन के सेगमेंट को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है जिसकी उम्मीद WWE फैंस ने कभी की ही नहीं होगी। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा? सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है और ये इंटरेस्टिंग बनेगा रोमन रेंस की टीम के साथ। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि रोमन रेंस की टीम आखिर बनेगा कौन होगा? रोमन रेंस का टीम ब्लडलाइन नहीं, क्योंकि ब्लडलाइन अभी बिजी है। ब्लडलाइन जे उसोस के बिना अधूरा है और जे उसोस की स्टोरी लाइन अभी WWE में कुछ और चल रही है। और जे उसोस ने इंटरव्यू में ये कह भी दिया है कि वो अभी लंबे टाइम तक टैग टीम डिवीजन में नहीं जाएंगे और अपना सिंगल रन ही चालू रखेंगे। तो ब्लडलाइन नहीं तो फिर कौन? सवाल का जवाब इस बार भी बिल्कुल साफ है, इको नीमा डेल्टा शील्ड। तो WWE फैंस खुश और शॉक दोनों होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शील्ड को लेके ये रूमर्स आ रही है कि WWE एक बार फिर से शील्ड को रीयूनाइट करने वाली है। WWE छोड़िए, ट्रिपल एच रीयूनाइट करने वाली है शील्ड को। अब शील्ड के रीयूनाइट के लिए डीन एम्ब्रोस का रिटर्न आना बहुत जरूरी है। तो आने वाले स्मैकडाउन में डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ सकते हैं और डीन एम्ब्रोस के साथ सेथ रॉलिंस भी रिटर्न आएंगे और उसके बाद द शील्ड का रीयूनियन होगा। द शील्ड आने के बाद क्या करेगी और इनका सेगमेंट कैसे होने वाला है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। आने वाले स्मैकडाउन में हमें ये देखने को मिलेगा कि सोलो सिकवा कॉरियोस के ऊपर अटैक करेंगे। सोलो सिकवा ने पहले ये कह दिया था कि कॉरियोस और केविन ओवेंस के मैच में जो भी जीतेगा सोलो सिकवा उसके बाद उसे चैलेंज करेंगे। और सोलो सिकवा का मकसद एकदम क्लियर है कि टाइटल जीत के ये साबित करना है कि वो ट्राइबल चीफ है, जो कि वो कभी साबित कर नहीं पाएंगे, लेकिन बेचारे को तभी साबित करना है। तो आने वाले स्मैकडाउन में सोलो सिकवा और उनकी छोटी मोटी ब्लडलाइन कॉरियोस के ऊपर अटैक करेगी। कॉरियोस को इंजर्ट करने की कोशिश करेगी ताकि कॉरियोस सोलो सिकवा को टाइटल दे दे, कॉरियोस सोलो सिकवा को चैंपियन बना दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रिटर्न आएंगे द ट्राइबल चीफ, द OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब रोमन रेंस अकेले और सोलो सिकवा के पास चार छोटे मोटे मेंबर्स यानी कि टामाटुंगा, टांगालो और जेकब फाटू, जो कि काफी खतरनाक है। इन तीनों से ज्यादा खतरनाक जेकब फाटू ही है। तो अब सोलो सिकवा और उनकी छोटी मोटी ब्लडलाइन को संभालने के लिए WWE में डेब्यूट करने वाली है एक बार फिर से द शील्ड। तो रोमन रेंस के रिटर्न के बाद स्मैकडाउन में रिटर्न आएंगे सेथ रॉलिंस और सबसे आखिरी में रिटर्न आएंगे डीन एम्ब्रोस। और डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने के बाद द शील्ड फाइनली कंप्लीट हो जाएगी और द शील्ड रीयूनाइट होके सोलो सिकवा और उनके छोटे मोटे ब्लडलाइन के ऊपर हमला करेगी। और हमले में कौन पिटाएगा ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हो, चलो मैं बोली देता हूँ। हमले में पिटाएंगे सोलो सिकवा और उनके चंगू मंगू। और इसी के साथ द शील्ड चैलेंज करेगी सोलो सिकवा और उनके छोटे मोटे ब्लडलाइन को, क्योंकि द शील्ड को सोलो सिकवा को सबक भी तो सिखाना है कि बेटा तू ट्राइबल चीफ कैसे बनेगा, हम तुझे बनने देंगे तब ना। तो WWE की ये रूमर्स बहुत तेजी के साथ फैल रही है कि द शील्ड अब रीयूनाइट होकर WWE में रिटर्न आएगी। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि द शील्ड के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।